हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सारे स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। बहुत ही दिनों के बाद मैं एक नया ब्लॉग लेके आप लोगों के सामने आई हूँ। तो इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के अराउंड 6 o'clock, और यहाँ पे मैं लाली के लिए जो वो चोकर बना रही हूँ, तो इसमें घिया और अनार सेब ये सारी चीज़ें काट के डाल रही हूँ, क्योंकि घिया काफ़ी ज़्यादा लगी है और वो ख़राब भी हो रही है, पक जाती है, और सेब भी सड़ रहे हैं, तो उनको मिला के जो है मैं उसको खिला देती हूँ लाली को चोकर के बीच में डाल के। तो अब मैं यहाँ पे कॉ मिल्किंग के लिए आ गई हूँ, और आजकल शेड्यूल मतलब थोड़ा ऐसा ही था, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था एक्चुअली, उस वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही थी। मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो उसमें वॉल्यूम नहीं आती है, स्पेशली फ्रंट कैमरे से तो बिल्कुल भी नहीं आती है, बैक कैमरे से फिर भी थोड़ी बहुत आ जाती है, बट फ्रंट कैमरे से बिल्कुल भी नहीं आती जब मैं बोलती हूँ। और तो इसीलिए रीज़न से मेरा मन ही नहीं किया फिर मतलब वीडियो शूट करने का, मेरा मन सा ही टूट गया था। तो अब भी ये ख़राबी है, मतलब अभी भी मुझे वॉइस ओवर इसी रीज़न से करना पड़ रहा है हर वीडियो में, क्योंकि मेरे फ़ोन में वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया कि डायरेक्ट ऑडियो उसमें रिकॉर्ड नहीं हो रही है जो भी मैं बोल रही हूँ जब वीडियो शूट कर रही हूँ, इसीलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर लाली और नंदू को मैंने बाहर निकाल दिया है, और यहाँ पे इसको चोकर भी दे दिया, और आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लिप में जो है दत्तनगर कॉलोनी की। तो आज मैं और श्रिया हम जा रहे हैं रामपुर, और जैसे आप लोगों को बताया कि करवाचौथ आने वाला है तो उसकी शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। एंड लुक एट माय हेयर, आप मेरे बाल देख सकते हो, ये बहुत ही जल्द उड़ने वाले हैं, कटने वाले हैं। तो और बस ली हमने दत्तनगर से, दत्तनगर तक हम भैया के साथ गए थे लिफ्ट में, फिर वहाँ से आगे हमने बस ली। सबसे पहले गई मैं टेलर के पास में, और मैंने 3 सूट अपने सिलाने को दिए हैं। ध्रुविन के मुंडन के टाइम पे मैंने जो सूट सिलवाए थे वो सारे सूट टाइट हो चुके हैं, जो पहना है ये भी उसी टाइम पे सिलवाया था, सारे टाइट हो चुके हैं, और मैं 3 सूट ही उठा के लेके गई सीधे कि मुझे 3 सूट बना दो। और उनमें से एक सूट बोला है मैंने कि आप करवा चौथ तक रेडी कर देना, तो मैंने नई नई वो इस बार यू डिज़ाइन डालने के लिए कहा है, लाइक वो अफगानी जो सलवार होती है और अफगानी जो ये होता है प्लाजो होता है वो सिलवाने के लिए कहा है, तो आई डोंट नो क्या बन के आएगा। बस उसके बाद हम चले गए ब्यूटी पार्लर, और यहाँ पे अब होगी कटिंग का काम शुरू। तो मतलब बाल मेरे लंबे हैं नो डाउट, बट पतले बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा पतले बाल है ना मेरे कि बस पूछो मत, मैं उब गई थी इन बालों से, अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था इन बालों में कंघी करने का, ना ही इन बालों को मतलब होता है ना कि थोड़ी केयर करें, मेरा मन ही नहीं करता था, बिल्कुल ही पतले बाल है यार, बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं मेरे। तो बस फिर मैंने पहले थ्रेडिंग करवाई, उसके बाद मैंने हेयर कटिंग की, और हेयर कटिंग का लुक कैसा है वो आप लोगों को थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा। बाय द वे, इस बार मैं परमिशन लेके गई थी, मतलब मम्मी से मैंने पूछा था, मम्मी को पता था कि उस टाइम पे मैंने नहीं बाल कटवाए, तो उनको पता था कि इस टाइम मैं ज़रूर बाल कटवाऊंगी, और वो प्रिपेयर थी ऑलरेडी कि क्या रिज़ल्ट आएगा। तो मैंने इसमें स्टेप विद लेयर कटिंग करवाई है, मतलब मैंने उनको बोला मैम को कि आप खुद अपने हिसाब से देखो कि क्या कटिंग हो सकती है इन बालों में, क्योंकि बालों का टेक्सचर भी बेकार है और साथ में इसमें वॉल्यूम भी नहीं है, तो उसी हिसाब से आप देख लो कौन सी कटिंग सही बैठेगी, ऊपर से मेरा फेस इतना चौड़ा है ना कि बस पूछो मत। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है कोई नहीं, हम इसमें स्टेप विद लेयर कर देते हैं, और मुझे चंडीगढ़ की याद आ गई, मैंने 2 बार ये वाली कटिंग करवाई है वहाँ पर चंडीगढ़ में, जब मैं अपने जॉब पीरियड में थी, अपने बाल मतलब मैंने शोल्डर लेंथ से भी ऊपर ऊपर तक रखे होते थे, मतलब बहुत छोटे छोटे बाल कर दिए थे मैंने उस टाइम पे भी, बट मेरे बाल जल्दी बढ़ जाते हैं नो डाउट, बाल तो जल्दी बढ़ जाते हैं पर वॉल्यूम नहीं बढ़ती इसमें, मतलब लेंथ बढ़ जाएगी पर वॉल्यूम उतनी नहीं रहती है। तो फिर मैम ने बाल मेरे काट दिए और छोटे छोटे कर दिए, मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम, जैसे मर्जी अपनी खेती है उग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो लेट्स सी कैसी लुक आती है, और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे लग रहे हैं बाल। ओके सो ये है फाइनल लुक मेरे बालों की जो कटिंग करवाई है मैंने, कुछ इस तरह से है। तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कि कैसे लग रहे हैं, मतलब बैक साइड से तो अच्छे लग रहे थे बाल, लेकिन फ्रंट में थोड़े वाइट वाइट बाल मेरे विजिबल थे, तो उस वजह से वो ग्रेस नहीं आ रही थी फ्रंट से, तो मुझे तो फ्रंट से बुरे लग रहे थे सच बोलो। और ये फ्रंट से कुछ ऐसी लुक है, मतलब काफ़ी छोटे कर दिए मैंने बाल। उसके बाद हम चले गए मोमोज खाने हैं, चाइनीज़ पराठा खाने हैं, उसके बाद हमने पेस्ट्री खाई, रेड वेलवेट ढूंढ रही थी बट मिली नहीं, फिर एट द लास्ट बटर स्कॉच ही लेनी पड़ी। और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं और राहुल जब भी जाते हैं सबसे पहले पेस्ट्री खाते हैं।
सो दिस इज़ द फाइनल लुक। मेरे बाल कुछ इस तरह से लग रहे हैं बैक साइड से। और इसके बाद हम आ गए थे घर, और आपको दिखाती हूँ शॉपिंग। तो ये मेरी शॉपिंग मम्मी के सामने मैंने खोल के रख दी है। मम्मी को दिखा देती हूँ मैं सबसे ये पहले जो क्या कुछ भी लेके आती सूट हूँ। लिया उसने भी लगा आ जाएगी हाथ में आपकी है खुली खुली मेरा आने वैसे ये है जनाब मम्मी का सूट, ग्रीन कलर में है ये। इस तरह से इसमें लेस लगी है नीचे से बॉटम में, बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट पे। और इस तरह से कुछ इस पे ऑयल पेंटिंग से, मतलब कुछ ये गोल्डन कलर का इस पे प्रिंट हुआ है। और इस तरह से ऊपर 3 बटन दिए, और इसमें ये एक टसल्स लगा है। तो ये है, और ये इसका बॉटम है, और ये इसके साथ बहुत ही सुंदर वाली शॉल है, बहुत ही प्यारी शॉल है। इतने अच्छे शॉल है कि इसका पूरा एक मतलब शर्ट बन सकती है आराम से। और कितने प्यारे इसमें ये जो डिज़ाइन सा, इतना सुंदर लग रहा है। तो ये है मम्मी का सूट जो मैंने मम्मी के लिए लिया है करवा चौथ पे देने के लिए। मतलब मम्मी ने वैसे मैरून कलर बोला था, बट मैंने ग्रीन कलर लाया। और ये धाटू मैंने इसके साथ लिया है। मतलब मुझे ऐसे पसंद नहीं है कि ग्रीन सूट है तो उसके साथ ग्रीन ही धाटू लगाना है, तो मुझे थोड़ा अलग सा लगता है। बस इसमें थोड़ा थोड़ा गोल्डन है, तो मुझे था कि इसके साथ ये वाला ठीक है। और ये है मेरे वाला सूट जो कि बहुत ही सुंदर कलर है, येलो कलर है। इसमें फिर भी थोड़ा सा ऑफ वाइट लग रहा है, बट येलो कलर है। और ये बॉटम है, मतलब बॉर्डर लगा है नीचे से, और ये बाजू के लिए भी साइड में बॉर्डर है इसमें। और बॉटम भी इसकी येलो ही है। और ये रहा इसका स्टॉल, बहुत ही प्यारा स्टॉल है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा स्टॉल है मतलब। और ये इसकी बॉटम है, कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है। और दोनों सेम सेम रेंज के हैं, मम्मी का 900 के अराउंड पड़ा, और मेरा ये 1000 नहीं 1100 के अराउंड पड़ा है ये वाला। मम्मी मम्मी का 950 का है। हाँ तो बताइए कैसा है ये वाला सूट, कैसा है? और मैं सोच रही हूँ इसके साथ प्लाजो ही बनाऊंगी, लाइक पैंट प्लाजो, वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। और ये विंटर वाले हैं दोनों कपड़े, दोनों ड्रेस विंटर वाली थी जो मैंने दिखाई। और ये है बाकी करवा चौथ की शॉपिंग, ये जो भी है, ये थाली वगैरह ये मैंने ली थी वैसे, 3 साल से मैं एक ही थाली यूज़ कर रही थी, बट अभी मैंने ये चेंज कर दी है। और ये वाली देखो कितना अच्छा इसमें डिज़ाइन है, मतलब ये डोरी लगी है जो इसमें ये लगा है ना, इसी के पैसे हैं। एक सिंपल वाली थी उसका 200 का रेट था, और जिनमें ये जो लगी है ये डोरी सी, क्या कहते हैं इसको यार, मैं भूल जाती हूँ क्या कहते हैं इसको, लेस, हाँ ये 250 की थी ये वाली। तो ये है बस यही लिया है, और क्या है। और ये है बाकी कॉस्मेटिक का सामान जो कुछ भी लिया है, थोड़ा बहुत नेल पॉलिश लिया है मैंने, बहुत सारे अलग अलग कलर के नेल पॉलिश लेके रखी है इस बार। तो मम्मी के पास रेड कलर ही है मैक्सिमम, तो मैंने मम्मी के लिए इस बार मैरून सा कलर लिया है। पहले मैं सोचती थी ये पिंक वाला उनको दूंगी, बट मुझे लगा पिंक उनको पसंद नहीं है, तो उनको ये मैरून सा कलर है ये। और ये वाली लिपस्टिक मैंने फर्स्ट टाइम ली है लिक्विड में, लैक्मी की, मतलब मैंने कभी यूज़ नहीं किया ये लिक्विड वाली, बट श्रिया के बोलने पर मैंने ये ले ली। मतलब वो बोल रही थी यही वाली लो भाभी, यही वाली लो, मैं कहा ठीक है। और ये मम्मी के लिए बैंगल्स ली हैं, और बस। और ये मम्मी के लिए लिपस्टिक लेके रखा है, ये भी मम्मी के लिए लिया है। और नेल पॉलिश और बिंदिया वगैरह जो नॉर्मल होता है, बस वही सब होता है जो सुहागी के लिए है, यही सब है। और मम्मी को फैंसी बिंदिया पसंद है, इसलिए मैं उनके लिए ये वाली फैंसी बिंदिया लेके आई हूँ। ये वाली मेरी है छोटी वाली, रेड कलर मुझे अच्छा लगता है बिंदी में, और ये वाली मम्मी की है क्योंकि वो पहन लेते हैं मतलब ऐसे मैचिंग। और ये जो मैरून वाली छोटी बिंदिया है ये भी उन्हीं के लिए। बस ये है कॉस्मेटिक वाली शॉपिंग, और थोड़ी बहुत बैंगल्स और लेके रखी है। तो वैसे सबका ये होता है कि सब करवा चौथ पे जो है वो मतलब अपनी सासों को देते हैं, बट मैं ये जो है ना ये अपनी दादी को दूंगी। ये वो मेरी दादी सास है यहाँ पे, वो वीडो है, तो मैं उनके लिए लेके आती हूँ। लास्ट ईयर भी मैं उन्हीं के लिए लेके आई थी, और इस बार भी उन्हीं के लिए लेके आई हूँ। और ये थोड़े बहुत एक्स्ट्रा सेट लेके रखे हैं, मतलब जो इधर दादी दूदी लगती है मेरे, उनको दूंगी मैं, क्योंकि लाइक जैसे सास वगैरह ये सब होते हैं, इनको तो मिलते ही रहते हैं क्योंकि इनकी बहुएं रखती है व्रत, तो ऑब्वियस ही बात है सास को तो देते ही हैं। बट जैसे मतलब जो वो दादी है, तो उनकी जो मतलब बहू है वो भी विडो ही है, तो वो भी फास्ट नहीं रखते करवा चौथ का, तो उनके लिए मैं स्पेशली लेके आई हूँ। ये पिछले साल भी दी थी मैंने उनको, बट वो थोड़ी लूज थी, इस बार मैं बिल्कुल उनके साइज़ की लेके आई हूँ। तो और ये है ध्रुविन के डैडी आ गए हैं, खाना वाना खा लिया इन्होंने। और ये मेरा पार्सल आया था, बहुत सारा सामान मंगाया था मैंने, इससे पहले भी बहुत सारे पार्सल आ चुके हैं, उसकी वीडियो भी मैंने नहीं बनाई है। तो ये लेके आए हैं, और ये खुद ही अनबॉक्सिंग करने लगी है, इनको रहता है कि क्या लेके आई हो, कि क्यूरियोसिटी रहती है इनको। तो ये मैं ऐसे हल्के हल्के दिखा देती हूँ कि क्या सामान है, बाकी मैं आपको डिटेल में बाद में दिखा दूंगी कभी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी चले जाएगी इसी रीज़न से। और ऐसे मज़ा भी नहीं आ रहा है मुझे, मैं सच कहूँ, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का बहुत इशू आ रहा है फ़ोन में, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है वीडियो रिकॉर्ड करने में, तो बस इसीलिए मैं आपको हल्का फुल्का सा दिखा रही हूँ। ये वाला है, डिश सोप रख सकते हो, विम बार रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, और इसमें आपको ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपली प्लास्टिक हो जाएगा आपका वॉल में, और इस पे ये हैंग हो जाएगा, ठीक है।
फर्स्ट पार्सल ये है और सेकंड देखते हैं, इसमें है मेजरिंग कप। ये मेजरिंग कप है, लाइक ml के हिसाब से होता है, 250 ml, 200 ml और 240 ml, मतलब ml के हिसाब से कप होते हैं। ये होता है स्पेशली जब मुझे डाइटिंग करनी होगी इन फ्यूचर, जब मैं अपनी अपनी डाइट प्रॉपर फॉलो करूँगी, तो ये उस चीज़ के लिए मैंने ऑर्डर करके रखे हैं ऑलरेडी, क्योंकि मेजरिंग ईजी होती है। जब किसी आप डाइटिशियन की डाइट फॉलो करते हो ना, तो वो मेजरिंग के हिसाब से आपको डाइट प्लान देते हैं, तो इसलिए मैंने पहले ही ऑर्डर करके रखे है। इन चीज़ों को देखती रहूँगी तो मेरे दिमाग में बार बार आता रहेगा कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। तो बस ये है, सेकंड चीज़ ये है, एंड लेट्स सी अब थर्ड क्या आता है। तो थर्ड है ये अनब्रेकेबल सिपर है, मतलब ये एक टम्बलर टाइप है और इसमें स्ट्रॉ लगी हुई है, कनेक्ट हुई है स्ट्रॉ इसी के अंदर ही। तो ये मैंने ध्रुविन के लिए लिए थे, ये सोच के कि शायद उसकी बॉटल वाली जो फीडिंग है वो छूट जाए, इसी रीज़न से ये लेके आई हूँ। दो, एक केवी को दूंगी और एक ध्रुवी के लिए रखूँगी, दो सेट लेके आई हूँ मैं, और काफ़ी अच्छे हैं मतलब। और ये है मेरा ड्रेस जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, ये एक अनारकली ड्रेस है, अनारकली फ्रॉक है मतलब ड्रेस है। तो उसके साथ ये इसका दुपट्टा है, बहुत ही सुंदर दुपट्टा है। और ध्रुविन के डैडी बोलते कहते ये दुपट्टा इतना भारी है, मुझे लगा कि ये पूरा सूट होगा बट ये फ्रॉक है, ये वाला येलो कलर में मस्टर्ड कलर है, और पता नहीं कैसा लगेगा, पहना नहीं है मैंने अभी तक, बट आई होप कि अच्छा लगे। और ध्रुवी के डैडी बहुत ऐसे मतलब इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों में, क्या क्या मंगाया है, क्या क्या नहीं मंगाया है, और ऐसे देख भी लेते हैं, हाँ अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, मतलब पूरी वो ले लेते हैं, ये पार्टिसिपेशन देते हैं, तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट सा रहता है। हाँ भाई, नहीं तो फिर अकेले तो फिर ऐसे कि हाँ देखते रहो, मुझे तो सारे ही अच्छे लगेंगे फिर, पर ये बता देते हैं कि हाँ कैसा लग रहा है। और ये है नेक्स्ट, ये भी एक अनारकली ही ड्रेस है, अनारकली सूट है, ये गाउन टाइप है, मतलब ये काफ़ी लंबा है तो ये गाउन टाइप लुक देता है। और मुझे जब लगा था उसमें देखने में, ये अमेज़ोन से ऑर्डर किया है, तो इसका कलर अलग लग रहा था, बहुत प्रीटी कलर लग रहा था, बट जब ये आया है तो इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, और इसका कपड़ा भी अलग है, थोड़ा रियन टाइप है, एंड पता नहीं अब कि कैसे लगेगा, मतलब पहन के कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, ये गाउन टाइप है, और इसको हम शॉर्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि इसके बॉटम में जो ये डिज़ाइन है ये कट जाएगा अगर मैं इसको छोटा करने की कोशिश करूँगी। सो लास्ट है ये, ये मैं नंबरिंग और अल्फ़ाबेट वाली मैट लेके आई थी ध्रुविन के लिए, ऑर्डर की थी मतलब, तो उसको ये चीज़ें मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है उसको, जैसे निकालना और ये इसमें फिट हो जाती है दोबारा, तो बच्चों को ये चैलेंजिंग भी लगती है ये सारी चीज़ें, और इन्जॉय भी करते हैं बच्चे इन चीज़ों को, क्योंकि इसमें जो वर्ड है अल्फ़ाबेट लिखे हैं वो पॉप आउट हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं बाहर, जैसे ये 1 2 3 है, ये बाहर निकल इससे आते हैं, तो बच्चे इन्जॉय करते हैं इन चीज़ों को, दोबारा से इसमें स्टक करना और मैट को जोड़ना, तो इसी रीज़न से मैं ये ले कर आई थी। जैसे ये देखिए ये पॉप आउट हो गया है इसका नंबर जो है, तो ये इसी रीज़न से मैं लेके आई थी कि शायद ध्रुवी को पसंद आ जाए। सो बस आज के लिए यही, इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैं मतलब दुआ करूँगी कि मेरा फ़ोन जल्दी ठीक हो जाए, सो दैट आप लोगों के लिए बहुत अच्छी और फ्रेश वीडियो बना सकूँ। तो फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल पे अगर आप न्यू हो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके देन, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मेरी हेयर कटिंग कैसी लग रही है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।